फ्रेंड्स, आप सबका बहुत ही बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डनिंग एट होम में। और फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा कोई ऐसा खास नहीं है, बस जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पिछले 2-4 दिनों से कोई भी वीडियो नहीं अपलोड कर रही थी। तो फ्रेंड्स, मेरे टेरेस गार्डन में कुछ काम चल रहा था और मैंने कुछ चेंजेस किए हैं अपने गार्डन में। तो बस आज का वीडियो मैं आपसे वही शेयर करने के लिए बना रही हूँ। और चलते हैं फ्रेंड्स अपने टेरेस गार्डन पर और देखते हैं कि मैंने कौन-कौन से चेंजेस किए हैं और कैसा लग रहा है अब हमारा गार्डन। तो फ्रेंड्स, टेरेस पे पहुँचते पहुँचते जो भी हमारे कुछ फ्लावर्स आज खिले हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपना एक ये पुराना फाउंटेन लगाया है। आपने कई वीडियो में देखा भी होगा कि मैंने पहले इसे नीचे के गार्डन में रखा था और नीचे के प्लांट्स जो है मेरे काफ़ी बड़े हो गए थे और उनमें ये छुप गया था, तो इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। और ये मैंने पीवीसी पाइप से डीआईवाई करके बनाया है ये फाउंटेन। और इधर जो मेरा बनाना का प्लांट था ड्रम में लगा हुआ, तो उसको भी मैंने पेंट किया है और इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, मैंने ये जितनी भी क्यारियाँ बनवाई थी इन सबको मैंने पेंट करवा दिया है और अब ये पेंट होने के बाद काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहे हैं यहाँ से, देखिए सारे। और ये जितने मेरे स्टैंड थे ये भी मैंने सब पेंट करवा लिए, तो काफ़ी मिसमैच हो गया था अभी कुछ दिन पहले मेरा गार्डन। तो 2-3 दिन से मैं इसे ही ठीक कर रही थी। बटरफ्लाई, तो फ्रेंड्स मैं आपसे शो करती हूँ अपना सेंटर पॉइंट। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है मेरा सेंटर पॉइंट और इसको मैंने पेंट करवा दिया है सारे कलरफुल। और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ बीच में एक फाउंटेन लगाया हुआ है। और उसको मैनेज करने में मुझे 2 से 4 दिन लग गए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये सेंटर कैसा लगा गार्डन का?
और इधर भी मैंने सब मैनेज कर दिया है, जो इस साइड में स्टैंड रखा हुआ था उसको मैंने पीछे कर दिया है। और ये स्टैंड मैंने पीछे शिफ्ट कर दिया है और इस तरीके से ये स्टैंड को भी मैंने पेंट करा लिया है और इधर भी ये स्टैंड पीछे करके मैंने रख दिया है। तो इस टाइम काफ़ी जगह हो गई है मेरे गार्डन में इस साइड में, और स्पेस काफ़ी मेरा ये खुल गया है, इस साइड में काफ़ी मेरा स्पेस मुझे मिल गया। बहुत ही खूबसूरत सा कैलेंडुला। तो फ्रेंड्स, बस आज मुझे आपसे यही शेयर करना था अपना गार्डन का मेकओवर जो मैंने किया है। तो आपको कैसा लगा मेरा ये गार्डन का मेकओवर, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो मैंने दो पार्ट में बनाया है, तो सुबह के समय कुछ नॉइज़ आ रही थी सामने मस्जिद के गेट, तो मैंने स्टॉप कर दिया था वीडियो। और शायद हाफ़ पार्ट में आपको कुछ नॉइज़ भी सुनाई देगी, तो आप उसे इग्नोर करिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये सेंटर पीस अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसको कमेंट करके बताइएगा, और भी कोई सुझाव हो आपका तो उसे भी मुझे बताइएगा। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि हमारे गार्डन में भी क्या क्या चल रहा है। और ये देखिए, विंका फिर से ब्लूमिंग पे आ गया है और काफ़ी सारे फ्लावर्स खिले हैं, और मेरे टमाटर में भी अच्छे से ग्रोथ हो रही है। और ये मेरा फ्लॉक्स का प्लांट है। और ये देखिए, आज एक वाइट अपराजिता भी खिला हुआ है। और अपराजिता में भी अपनी नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। ये देखिए, सारे नए नए लीव जो हैं इसमें निकलने लगे हैं। और कामनी का भी आज दो फ्लावर मुझे खिला हुआ नज़र आया है। ये देखिए, एक और दो, और इसमें भी नई नई लीव्स सब निकलने लगी हैं। तो हमारे समर फ्लावर के प्लांट्स भी अपने ब्लूमिंग पे आ गए हैं। ये देखिए, वाइट विन का, और इधर हमारा पिंक और वाइट शेडेड में पिटूनिया, और इधर मेरे रेड वाले दो हिबिस्कस आज खिलेंगे। अभी मॉर्निंग का टाइम है तो अभी ये खिले नहीं हैं, और जैसे जैसे इस पे धूप पड़ेगी ये खिल जाएंगे। बहुत ही प्यारा कलर है इसका और काफ़ी बड़े में खिलता है। और देखिए, टेकुमा में भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। और ये देखिए, मॉर्निंग ग्लोरी भी एक यहाँ खिला हुआ है। कितना प्यारा लग रहा है ये, सारे गेंदों से भरा हुआ, काफ़ी खूबसूरत। और हमारे रोज़ के प्लांट में ये रोज़ भी एक खिला हुआ है, और इन सब में भी बर्ड्स बने हुए हैं काफ़ी सारे। ये देखिए, ये भी कुछ एक दो दिनों में खिल जाएगा।
इसमें भी बर्ड्स बने हुए हैं काफ़ी सारे, और ये वाला खिल भी जाएगा एक दो दिन में। इधर मेरे पिंक वाले में भी ये देखिए बर्ड्स बना हुआ है और ये भी खिल जाएगा एक दो दिन में। तो लगभग लगभग सारे रोजेज में बर्ड्स बने हुए हैं, और बटन रोज में भी देखिए काफ़ी सारी कलियां आई हुई हैं। इस रोज़ में भी देखिए कली बनी हुई है और कुछ दिन में खिल जाएगा ये भी। और ये मेरा येलो कलर का ये भी देखिए ओपन होने में है, और इसमें एक और बर्ड आया हुआ है। और ये सारे रोजेस में लगभग लगभग बर्ड्स आए हुए हैं, और एक रोज़ इधर भी छुपा हुआ है ये देखिए। ये ऑरेंज और रेड का मिक्स है, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये कलर। और ये पिंक वाला मेरा फेवरेट। इधर सारे मेरे डेलियाज ओपन हैं, और ये देखिए मॉर्निंग ग्लोरी भी काफ़ी अच्छे से ब्लूमिंग कर रहा है, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लगता है इसका फ्लावर मुझे। और मेरे फ्लॉक्स में भी फ्लावरिंग होने लगी है। और मेरे मिर्ची के प्लांट में भी देखिए मिर्चियाँ निकली हुई हैं, और फ्लावरिंग काफ़ी हो रही है इसमें भी। और इधर ये वाले हिबिस्कस भी दो खिलेंगे अभी धूप निकलने पे। और मेरे गुलदाउदी में भी देखिए अभी फ्लावरिंग फिर से स्टार्ट हो गई है, ये सेकंड फ्लावरिंग पे आ गया है, और ये दो कलियां और बनी हुई हैं, इसमें और भी सारी कलियां बनी हुई हैं, और ये फिर से फ्लावरिंग करने लगा है। और ये मेरा बहुत ही प्यारा खूबसूरत डेलिया। फ्रेंड्स अभी मेरा बहुत सारा काम बाकी है, कुछ दिन से मैं बहुत बिज़ी थी अपने गार्डन के मेकओवर को लेकर, और ये सारे जो स्पेंट फ्लावर्स हैं इन सबको मुझे हटाना है। इसमें भी काफ़ी सारे स्पेंट फ्लावर्स हो चुके हैं, तो इन सबको मैं हटा दूँगी, और ये भी एक काम है तो इसको भी मुझे करना है टाइम निकाल कर। और इधर ब्लू कलर का प्राजिता निकला हुआ है, और ये मेरा स्वीट पी कितना प्यारा लगता है, ऐसा लगता है कि बटरफ्लाइज बैठी हुई हैं काफ़ी सारी मेरे प्लांट्स में। बहुत ही खूबसूरत
ओके फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट. ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर गार्डनिंग, सॉरी थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल. बाय बाय फ्रेंड्स.